सुखजिंदर रंधावा, जहां सुखजिंदर रंधावा होंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री और उनके साथ दो उप मुख्यमंत्री भी होंगे। तो पंजाब कांग्रेस में चल रहा संकट खत्म हो चुका है, औपचारिक घोषणा बस अब से कुछ ही देर में, क्योंकि पंजाब कांग्रेस ने सुखजिंदर रंधावा का नाम आलाकमान के पास भेज दिया है। खबर यह भी आई है कि रंधावा ने राज्यपाल से संपर्क भी कर लिया है। पंजाब कांग्रेस ने दो उप मुख्यमंत्री की बात भी हुई है, अरुणा चौधरी और आशु भारत भूषण आशु, ये दोनों इस समय कैबिनेट में दोनों मंत्री हैं और दोनों यहां पर उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी सुखजिंदर रंधावा को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है और कुछ ही देर में इसका औपचारिक ऐलान होगा। दो उप मुख्यमंत्री भी होंगे और जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ या इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ा, उसके बाद मीडिया से बात करते हुए रंधावा ने कहा कि काम करने के लिए 4 महीने 4 साल नहीं 4 दिन भी काफी होते हैं। और इस वक्त पंजाब से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ है उसका असर दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं राहुल गांधी, ये आलाकमान है कांग्रेस का जो अब दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। सोनिया गांधी के पास पहुंचे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस में अब हलचल दिल्ली तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ये भी कहा गया है, पंजाब कांग्रेस ने यह कहा है कि हमने सुखजिंदर रंधावा का नाम भेज दिया है आलाकमान के पास, सभी विधायक चाहते हैं, पंजाब कांग्रेस चाहती है, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो सोनिया गांधी पर छोड़ा है। और अब दिल्ली में भी पंजाब के मामले पर बैठक शुरू हो चुकी है। सोनिया गांधी पंजाब के नए मुख्यमंत्री के फैसले का ऐलान करेंगी। पंजाब का नया मुख्यमंत्री जहां सुखजिंदर रंधावा, लेकिन इसके नाम का ऐलान सोनिया गांधी की तरफ से होना है, यानी कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से होना है। तो सोनिया गांधी से इस समय राहुल गांधी मिलने पहुंच चुके हैं, दोनों की बैठक चल रही है। और राहुल, अशोक सिंघल हमारे संवाददाता, अशोक क्या राहुल इसी वजह से पहुंचे हैं, यही कारण है? और क्या अब से कुछ ही देर में हमें दिल्ली से यह खबर मिल जाएगी कि सुखजिंदर रंधावा ही पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, बिल्कुल अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना बाकी है सुखजिंदर रंधावा के नाम का। हालांकि जो खबरें आ रही हैं कि स्टेट ने उनके नाम का प्रपोजल भेजा है आलाकमान के पास, और आलाकमान लगातार मीटिंगें हो रही है। मैं आपको एक चीज बता दूं, वहां के जो ऑब्जर्वर्स हैं पंजाब में, अजय माखन, हरीश रावत, वहां के प्रभारी सब लगातार राहुल गांधी, सोनिया गांधी के टच में है। लगातार उन्होंने अपडेट दिया है, जैसे ही उन्होंने फीडबैक लिया विधायकों से, और राहुल गांधी भी लगातार अपनी मां के संपर्क में है, प्रियंका गांधी से भी बातचीत हो रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी इन्वॉल्व है इस पंजाब के मुद्दे पर। सिद्धू को स्टेट प्रेसिडेंट बनाने में प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा रोल था। तो तीनों, राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी लगातार बातचीत कर रहे हैं, जो वहां से फीडबैक आ रहा है। और राहुल गांधी अपनी माँ के घर टेंजन पर पहुंचे थे, बातचीत की, और प्रियंका गांधी से भी लगातार फोन पर बातचीत हो रही है। तो थोड़ी देर में उम्मीद की जा रही है कि औपचारिक तौर से ऐलान किया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री पंजाब का कौन होगा। बहुत धन्यवाद अशोक। अशोक संगल हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, दिल्ली से ऐलान होगा, यानी कि सोनिया गांधी की तरफ से बस सबसे कुछ ही देर में ऐलान हो जाएगा। ये 3 तस्वीरें हैं, यानी कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा, जिन्हें पंजाब कांग्रेस ने जिनका नाम तय कर दिया है, दो उप मुख्यमंत्री अरुणा चौधरी डिप्टी सीएम और भारत भूषण आशु डिप्टी सीएम, दोनों अभी इस समय मंत्री भी हैं, कैबिनेट में हैं पंजाब में अमरिंदर के साथ, कैप्टन अमरिंदर के साथ। लेकिन इस पूरे परिदृश्य से यदि अभी दो चेहरे गायब हैं तो वो एक कैप्टन अमरिंदर सिंह और दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू। तो नवजोत सिंह सिद्धू के ही करीबी सुखजिंदर रंधावा को बताया जा रहा है, और नवजोत सिंह सिद्धू जब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो उसमें सुखजिंदर रंधावा का बहुत बड़ा हाथ था। सुखजिंदर रंधावा न सिर्फ कैप्टन अमरिंदर की नीतियों की भी आलोचना करते रहे थे, बल्कि उनको वादा पूरा करने पर कि आपने जो वादे किए हैं पंजाब की जनता से वो वादा पूरा करिए, इस बात का दबाव भी लगातार डालते रहे हैं। लेकिन अब यह तय हो चुका है, क्या कहा रंधावा ने जल्दी सुनवा देते हैं आपको। तो हर वर्कर को वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो मैं भी एक छोटा वर्कर हूँ और एक सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेकर आज तक मैं जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर बना हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर वाली बात है। क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले सीएम से बात कर रहे हैं सर? रंधावा साहब, क्या आप आने वाले सीएम से बात कर रहे हैं, ये कह सकते हैं? देखिए, पहले अनाउंस हो जानी चाहिए, और माझा या मालवा या दुआबा
माझा मालवा द्वाबा प्रताप सिंह, प्रताप सिंह कैरो जो माझे के थे, माझे के थे वो मैं चीफ मिनिस्टर और वो यूनाइटेड यूनाइटेड पंजाब के वो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम, ना पंजाबी थे ना माझा था ना मालवा था, पर कैप्टन उन्होंने प्रताप सिंह कैरो जो थे हमारे चीफ मिनिस्टर बने, आज तक लोग उनको याद करते हैं कि उन्होंने पंजाब को खड़ा किया, पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लेकर आए और सब कुछ। हमारा काम है कि पंजाब की तरक्की के लिए जो भी बनेगा, पंजाब की तरक्की के लिए बनेगा, पंजाब की खुशहाली के लिए बनेगा, पंजाब की शांति के लिए बनेगा। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि मेरे धड़े नू सीएम दा सीरम दा चेहरा चुनन लई मेरे धड़े नू जेकर निगलेक्ट कीता ते फिर मैं इसका विरोध भी कर सकता। मैं कैप्टन साहब नू एक रिक्वेस्ट करनी चाहना कि असी भी उन्होंने चेहरा, उन्होंने दूसरा रूप सीगा सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्हों का दूसरा रूप सीगा सुख सरकार गया, उन्हों का पहला रूप सीगा तृपत रजिंदर सिंह बाजवा। असी अपने माझे तो कैप्टन साहब नू लैके चले और अज भी उन्हें साडे मन दे विच रिस्पैक्ट आ जो अज तो 12-14 साल पहला सी। कैप्टन साहब साडे फैमिली दे मैंबर हैड सीगे, अपने परिवार दे विच कई वारी कई जिहड़े डिफरेंसिस आउंदे ने पर परिवार कदी निख वख नहीं हुंदे, फिर इकट्ठे हो जांदे। मेरे कैप्टन साहब बजुर्ग ने, मैं हमेशा ही उन्हां नूं अपने फादर दी थां समझा और उन्हां भी मैनूं टिक्कू वांगू अपने बेटे वांगू अपने यंगर ब्रदर वांगू उन्होंने मेरे नाल ट्रीट कीता। बेशक मेरे उन्होंने डिफरेंसिस रहे ने, तुसीं वेख्या होगा कि कैप्टन साहब ने एक बारी भी सुखजिंदर सिंह रंधावा दे मेरे मुंहों कोई गल निकल जाती होगी कैप्टन साहब ने कभी रिएक्ट नहीं सी की। क्या कैप्टन साहब को साथ लेके चलेंगे अब जो नई सरकार बनेगी? मैं कैप्टन साहब नूं तो वैसे भी मिलता रहा, तुहाडे सामने हर कैबिनेट च मिलता रहा, हर फंक्शन च मिलता रहा, यह तो कभी हो ही नहीं सकता कि जिस आदमी के नाल 2002 चो चलिया हो ਉਹਦੇ ਜੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ।